हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एक डिफरेंट तरीके का वीडियो है, या ये कहूँ कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को जानते ही नहीं होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे, और अगर जानते होंगे तो इससे रिलेटेड हो सकता है बहुत कम नॉलेज उनके पास हो। तो ये एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज होगी जिसमें मैं आपको ये पूरी कम्प्लीट सीरीज़ में बताऊँगा कि प्री आई पी ओ क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस ही कर लेते हैं कि प्री आई पी ओ आखिर है क्या। उससे पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो आपको प्रॉपरली मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होने पाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहले कि प्री आईपीओ आखिर है क्या। तो दोस्तों, आजकल आपको पता ही है कि इंडियन मार्केट में आप जानते हैं कि आईपीओ लगातार आए जा रहे हैं। अभी चार से छः तारीख के बीच में 4 आईपीओ ओपन थे, अगेन 9 से 11 तारीख में फिर 4 आईपीओ ओपन हुए हैं। तो इस साल अगर आईपीओ की फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे तो बढ़ गई है। उसका रीज़न क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन। अगर आप कोई भी आईपीओ देखेंगे तो आजकल अभी दो दिन पहले 4 आईपीओ आए थे और चार के चारों ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा आईपीओ के लिए क्रेज़ हो गया है, क्योंकि लोग जीएमपी देख लेते हैं और जीएमपी के चक्कर में इन्वेस्ट तुरंत करते हैं और उनको पता होता है कि मिल गया है तो 50-60% पैसा बनना है। तो इसलिए आईपीओ के पीछे लोग भाग रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक रीज़न भी है कि सारी की सारी कंपनियाँ, अभी बुल रन भी चल रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कंपनियाँ देख रही हैं कि ये इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता आईपीओ का लाने का, और यही एक रीज़न है कि ज़बरदस्त आईपीओ आए जा रहे हैं। लाइन पे आईपीओ भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आईपीओ मिलता नहीं है, आप जानते ही हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या देखेंगे आने वाले टाइम में, वो अपने आप से पूछेगा कि आपने कितने आईपीओ में अब तक अप्लाई किया है और आपका अलॉटमेंट कितना बार आपको अलॉटमेंट मिला है। तो आप सभी को पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से अलॉटमेंट मिल नहीं पाता है हर बार आपको आईपीओ में, और पैसा बन नहीं पाता, मतलब जो प्लानिंग हमारी होती है वो हो नहीं पाती है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप आईपीओ के आने के पहले ही अगर किसी कंपनी के आपके पास शेयर हैं तो फिर कैसा रहेगा। अगर आपके पास आईपीओ जब आने वाला होगा तो आप सोचिए, उसके शेयर आपके पास ऑलरेडी हैं, तो ये कुछ अलग इंटरेस्टिंग सी बात है। हो सकता है आपने पहली बार इसके बारे में सुना है, या कुछ लोग हो सकता है सुन चुके हों, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो प्री आईपीओ आखिर है क्या दोस्तों? तो प्री आईपीओ में होता क्या है कि अनलिस्टेड जो कंपनी होती हैं, प्री आईपीओ का मतलब आप देखिए, जब आईपीओ आता है और अगर आप उसके इशू साइज को देखेंगे तो आपको देखना उसमें पता चलता है कितने करोड़ का आईपीओ है। मान लीजिए 5,000 करोड़ का आईपीओ है, तो उसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक तो होता है फ्रेश इशू, दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने कुछ शेयर बेचकर, मतलब कंपनी नए शेयर ऑफर कर रही है मतलब लोगों को, और उनसे पैसा उठा रही है, यानी कंपनी नए शेयर अपने बनाए हैं और उनको बेच रही है, और उनसे जो पैसा आएगा उसको अपनी ग्रोथ में या जिस चीज़ में यूज़ करने हैं उसको वो यूज़ करेगी। जिसमें और दूसरा आईपीओ सब्सक्रिप्शन जो पार्ट होता है वो होता है क्या, ऑफर फॉर सेल। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा कि ऑफर फॉर सेल इतने का है। जैसे कि अभी कार ट्रेड का आईपीओ आने वाला है, अगर आपको पता ही होगा 9 से 11 तारीख को, उसका वीडियो मैंने बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। तो उसका जो आईपीओ है उसमें सारा का सारा ऑफर फॉर सेल ही है। तो आप ज़रा सोच के देखिए, ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं या जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं पब्लिक को, और पब्लिक से पैसा लेंगे, मतलब वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं और शेयर आपको दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ना किसी के पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर हैं जो वो आपको बेच रहा है। ऑफर फॉर सेल का मतलब यही हुआ ना। तो कंपनी के उनके पास आप सोच के देखिए कि जब कंपनी लिस्टेड ही नहीं है तो शेयर फिर कहाँ से आए हैं, ये आपके लिए सोचने वाली बात है अगर सोचेंगे तो। तो ऑब्वियसली दोस्तों, प्री आईपीओ का कॉन्सेप्ट आपको वहीं आता है कि आईपीओ के पहले भी आप अनलिस्टेड जो कंपनी है उनके शेयर भी आप खरीद सकते हैं। अभी एक्साइटेड मत होइएगा, ना ये पूछिएगा कि सर कहाँ से बाई करना है, या गूगल पे डाल के कि हम बाई कर लेंगे। देखिए, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि आपको कहाँ से परचेज प्री आईपीओ मतलब अनलिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, तो आप वेबसाइट खोलेंगे, बहुत सारी आपको वेबसाइट मिलेंगी, और जिसमें से 90% वेबसाइट फेक होंगी या फिर आपको मिसगाइड कर सकते हैं और आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये डिस्क्लेमर है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिए जाते, आप पहले इस पर रिसर्च कीजिए, आप खुद देखिए, सिर्फ मेरे वीडियो के भरोसे या मैं जो बोल रहा हूँ उस पर यकीन मत कीजिए, अपनी एनालिसिस भी कीजिए। लेकिन मेरा एफर्ट होता है दोस्तों कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ, जो मेरे पास बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी खरीदने का मत सोचिए, अभी सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया प्री आईपीओ के मतलब। अब आप पूछेंगे कि सर प्री आईपीओ में ठीक है हम शेयर खरीदेंगे, तो वो शेयर आते कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से थ्रू करेंगे? तो एक जनरली इंटरमीडिएटरी हैं, बहुत सारी अवेलेबल हैं अभी इंडियन मार्केट में, उनका काम ही यही होता है कि उनके पास शेयर्स होते हैं, आप उनको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे डायरेक्ट, और ये बैंक के थ्रू होता है, तो आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको वो शेयर अलॉट कर देंगे, मतलब वो आपको शेयर भेज देंगे।
तो अब आप पूछेंगे सर उस कंपनी के पास शेयर कहाँ से आते हैं, जब कंपनी अपना आईपीओ लेके नहीं आई, कहीं बेच नहीं रही है, तो उसके पास कंपनी के पास कहाँ से आ गए वो शेयर? तो दोस्तों वो शेयर आते हैं कहाँ से, एम्प्लॉयज से। जैसे सपोज़ कीजिए कोई कंपनी है, अभी जैसे पेटीएम का आईपीओ आने ही वाला है, तो पेटीएम में जो कंपनी में मेंबर काम कर रहे होंगे एम्प्लॉय, उनके पास हर एक कंपनी जो अच्छी एमएनसी कंपनी होती है वो अपने शेयर को सैलरी के साथ साथ कुछ शेयर्स भी कभी देते हैं। तो कंपनी एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं कि उन शेयर्स को बेच सकते हैं, और कहाँ बेचेंगे वो, ऐसी इंटरमीडिएट बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी ऐसी चल रही हैं चीज़ें जिसमें वो पैसा प्रोवाइड कराते हैं, एम्प्लॉय उनको शेयर्स ऑफर करेंगे। अब एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास बहुत कम शेयर हो, और कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर हो, तो उन्हें को अपने शेयर को ट्रांजेक्ट करने के लिए वो पैसा उठा लेते हैं, कंपनी वो शेयर खरीद लेती है, और फिर अगर आपको वो ज़रूरत है तो कंपनी आप से वो थोड़ा बहुत उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको शेयर वो बेच देती है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है, बिल्कुल ये लीगल। अब आप पूछेंगे सर ये लीगल है कि नहीं है, तो पहली बात मैं आपको दोस्तों बता दूं, अभी बहुत सारे लोग इसको ग्रे मार्केट से जोड़कर देख रहे होंगे, यानी डब्बा बाज़ार से जोड़कर देख रहे होंगे, कि बिल्कुल नहीं दोस्तों, ग्रे मार्केट और प्री आईपीओ दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, और प्री आईपीओ बिल्कुल लीगल है। अब इस बात का मैं आपको प्रूफ कैसे दूंगा, सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जब भी आप किसी से डील करेंगे, यानी किसी से आप प्री आईपीओ में पैसा लेंगे, तो आपका ट्रांजेक्शन बैंक में होगा किसी कंपनी में, ठीक है, यानी जो कंपनी बेच रही होगी उस कंपनी के नाम पे होगा। अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप गूगल पे जस्ट प्री आईपीओ टाइप कीजिए, तो अगर आप देखेंगे तो अभी कल एक न्यूज़ आई थी प्री आईपीओ से रिलेटेड, ये देखिए कल की अभी न्यूज़ है, वन डे एगो, आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल इकोनॉमिक टाइम, इस पे किसी पे भी पढ़ सकते हैं, सेबी रिड्यूसेस मिनिमम लॉक इन पीरियड फॉर प्रमोटर आफ्टर आईपीओ एग्री टू कंट्रोलिंग। और इसको देखेंगे तो इसमें जिक्र नहीं हुआ प्री आईपीओ का, आप ये देख लीजिए इकोनॉमिक टाइम्स का, सेबी रिलैक्स लॉक इन पीरियड रूल्स फॉर प्रमोटर प्री आईपीओ इन्वेस्टर ऑफ आईपीओ। इसका मतलब क्या है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मैंने बोला आपसे बोला है कि ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ होगी, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको इस न्यूज़ का मतलब बता देता हूं कि जो प्री आईपीओ में अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं ऑलरेडी, तो अभी तक होता क्या था कि अगर उसका आईपीओ आने के पहले तक आप उसको बेच सकते हैं, या फिर जब आईपीओ आएगा तो आपको ऑफ़र फॉर सेल का भी इनविटेशन आएगा, तो आप ऑफ़र फॉर सेल में उन शेयर को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ़र फॉर सेल में नहीं बेचते हैं और आपका मानना है कि नहीं मुझे लिस्टिंग पे बेचना है, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। पहले सेबी का रूल था कि ये एक साल तक आपको वो शेयर रखने ही पड़ेंगे अगर आप उनको ऑफ़र फॉर सेल में नहीं निकालते हैं तो, लेकिन अभी कल सेबी ने ये अप्रूव कर दिया है 6 महीने के लिए, मतलब उस गाइडलाइंस को जो एक साल थी उससे कम करके उसने 6 महीने रख दिया है कि 6 महीने आप शेयर नहीं बेच पाएंगे ओपन मार्केट में, उसके बाद आप बिल्कुल जैसे मार्केट में ट्रांजेक्ट करते हैं उस तरीके से ये बेच सकते हैं। तो इसका मतलब अभी ये न्यूज़ छोड़ दीजिए कि इसका मतलब क्या है अगर ऐसा नहीं समझ में आया है तो, लेकिन सिर्फ इस टर्म पे ध्यान दीजिए कि जहाँ सेबी इन्वॉल्व है अगर प्री आईपीओ से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली बात है ये लीगल टर्म है, मतलब लीगल है, ये इलीगल बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा लीगल होने का तरीका क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी के, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो शेयर आपके पास कहाँ पर आते हैं, ऑब्वियसली बात है हम सोचेंगे डीमैट अकाउंट में आते हैं, सीधी सी बात है, या तो CDSL या फिर NSDL जो डिपॉजिटरी होती है वो आपको डीमैट अकाउंट नंबर प्रोवाइड करती है, आपका डीमैट बनाती है और उसी में आपको शेयर मिलते हैं। अभी आप मार्केट में खरीदते होंगे तब भी डीमैट में ही आते हैं शेयर, तो ये प्री आईपीओ की शेयर भी आपके डीमैट अकाउंट में ही आपको मिलेंगे। तो यानी CDSL, NSDL, सेबी सब कुछ इन्वॉल्व है दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है इंडिया में, तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं, बस आपको फेक लोगों से बचना है, क्योंकि आपको प्री आईपीओ के नाम पे लूटने वाले बहुत सारे, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन गूगल पे भी बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगे। तो जब भी आप ऐसा कुछ काम करें तो प्लीज़ बस ये चेक कर लीजिएगा कि आप सही इंसान के साथ या सही कंपनी के साथ डील कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप सीधा इस पर बात करते हैं कि कहाँ पर आपको शेयर मिलेंगे, अगर आप एक्साइटेड हैं शेयर खरीदने के लिए, आप बोलेंगे सर किस किस कंपनी के हम शेयर खरीद सकते हैं, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ कंपनियों के शेयर खरीदना चाहते हैं, दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप कोई रैंडमली कंपनी का नाम सोचेंगे और उसका आपको प्री आईपीओ में शेयर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जिस कंपनी के शेयर अवेलेबल हो पाते हैं ये कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको वही आपको ऑफर कर पाएंगे, सीधी सी बात है, अपने मन से तो कोई शेयर बना नहीं देंगी, और वो आपके डीमैट अकाउंट में जाना है तो कोई एक रिटर्न पर्ची नहीं होगी कि किसी ने लिख के दे दिया और आपको मिल गया शेयर, ऑब्वियस सी बात है वो ट्रांजेक्शन आपके डीमैट अकाउंट में होगा, तो डीमेटलाइज फॉर्म में ही शेयर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो जिन कंपनियों का अवेलेबल होगी वो आपको दे पाएंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आप थोड़ा बहुत जानना भी चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे जो मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्ट हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो दिया गया है उस पर प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा, तो उस पर व्हाट्सएप करके अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप क्वेरी है आपकी चाहते हैं, तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई।
अब आप सोचेंगे कि सर ठीक है मिल गया मुझे शेयर, लेकिन अगर IPO ही नहीं आया है और अगर मुझे बेचना होगा तो मैं उसको बेचूंगा कहाँ पे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ऑब्वियसली बात है मन में अभी बहुत सारे सवाल आएंगे इससे लेकर, तभी मैंने बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बताऊँगा। या फिर थोड़ा वेट करिएगा, ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज है, हो सकता है इसका वीडियो कल ना आए परसों ना आए, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसमें टोटल हर एक कॉन्सेप्ट पर इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन पर आपसे वीडियो शेयर करूँगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा आंसर दे देते हैं कि कैसे बेच सकते हैं हम वो शेयर अगर IPO नहीं आया है, कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो मैं इसको बेचूंगा कैसे? तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आपके पास प्री IPO भी कहाँ पे मिलने वाला है आपको, आपकी डीमैट अकाउंट में। अब अगर IPO आने के पहले, या सोचिए किसी कंपनी का आपने खरीद रखा है या उसका IPO ही नहीं आया, आपके मन में हो सकता है ऑब्वियसली बात है कि अगर कंपनी IPO ही लेकर नहीं आई, मार्केट में ही नहीं आई, तो मुझे किस तरीके से मैं उसको बेच पाऊँगा? इसका एक दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है, देखिए रिस्क भी यहाँ पर एसोसिएटेड है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन रिटर्न की अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी जब भी अपना IPO लेकर आती है, सोचिए कि किसी कोई कंपनी, जैसे अभी कार ट्रेड की बात करूं तो सिर्फ ऑफर फॉर सेल लेकर आई है, मतलब वो अपने शेयर बेचना चाहती है, यानी कि जिसमें बड़े बड़े लोगों का जिनका पैसा लगा है उनको लगता है कि कंपनी की ग्रोथ हो चुकी है, अब उनको उसमें से निकल जाना चाहिए। ऑब्वियसली बात है ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हुआ कि उनको लगता है कि कंपनी की जितनी ग्रोथ उनकी होनी थी वो हो चुकी, अब वो अपना शेयर रिटेलर्स को चिपका कर चुपचाप वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो सोचिए कि कंपनी की जब ग्रोथ हो रही थी तो वो स्टार्टिंग से जब उसमें इन्वेस्टेड थे, तो कंपनी ग्रोथ स्टार्टिंग में कैसे होती है कि आपका पैसा परसेंटेज टर्म्स में नहीं, हम IPO में क्या सोचते हैं कि 50-60% रिटर्न मिल जाए यार अच्छा रहेगा 5-7 दिन में, लेकिन अगर किसी कंपनी के साथ आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो जो पैसा बनता है दोस्तों, आप यकीन मानिए कि सिर्फ वो परसेंटेज में नहीं होता 50-60, वो नंबर ऑफ टाइम्स में आपका गेन होता है। ऐसे में आपको आने वाले वीडियोस में बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिनका पहले प्राइस आपको प्री IPO में क्या मिल रहा था और उसके बाद लिस्टिंग और आज की प्राइस अगर देखेंगे तो आज क्या चल रहा होगा। तो ये सब बातें करेंगे आपकी आने वाली वीडियोस में, लेकिन इस ये भी डाउट आया है तो हम इसको क्लियर कर देते हैं कि यार कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट अपना IPO लेकर ही नहीं आई तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर कंपनी IPO लेकर भी नहीं आती है तो कंपनी के रिजल्ट्स भी आते हैं, कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी होता है, और जैसे जैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा इंटरनल, ऑब्वियस ये बात है वैसे वैसे आपकी प्री IPO की प्राइस भी बढ़ेगी, तो आपका वहाँ से प्रॉफिट तो होगा ही होगा, होने की खैर गारंटी नहीं है, अगर कंपनी लॉस में गई तो लॉस भी होगा ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपको बेचना है, अगर सोचिए कंपनी का IPO नहीं आया बेचना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट जो करेंगे तो आप जिस कंपनी से खरीदेंगे आप उसको शेयर वापस भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 200 रुपये में आज कोई शेयर खरीदा प्री IPO में, अगले महीने उसकी वैल्यू 300 हो जाती है, IPO तो आया नहीं 300 पर, अगर आपका मन है उससे निकलने का तो जिससे आपने खरीदा है आप उस कंपनी को बेच सकते हैं, क्योंकि उसका काम ही है कि वो शेयर खरीदती भी है और बेचते भी है और उसमें से वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप कंपनी को भी बेच सकते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव जिनको आप चाहें उनके डीमैट अकाउंट में उन शेयर्स को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, अदरवाइज़ आप अगर IPO कंपनी का आता है कुछ टाइम बाद IPO आएगा तो आप IPO को ऑफर फॉर सेल में निकल सकते हैं, अदरवाइज 6 मंथ का अभी पहले 1 साल था या 6 मंथ का आप वेट करेंगे तो फिर आप ओपन मार्केट में जैसे शेयर की हम डीलिंग करते हैं बाई सेल जो भी करते हैं एक ब्रोकर के थ्रू, उस तरीके से आप वो सारी प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ओवरव्यू था प्री IPO से रिलेटेड कि IPO के पहले अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में तो क्या ये पॉसिबल है, तो मैंने उनका आपको आंसर देने की कोशिश की है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज होगी वो इस तरीके की होगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछेंगे और उन डाउट्स को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपने मन से मैं यही सब चीज़ें दोबारा से रिपीट करता रहूं मुझे वो सही वर्थ नहीं लगता। तो आप कमेंट में डालिए कि आपको क्या क्वेरी है, मैं उन पर आपको जो बेस्ट, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके अलावा दोस्तों अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू जरूर ओपन कराइएगा। आप जानते हैं कि हमारा सपोर्ट ज़बरदस्त होता है, तो आप एंजल ब्रोकिंग में या फिर प्रॉफिट मार्ट में या फिर आस्था में, इन तीन में से किसी में भी अपना डीमैट अगर आप अकाउंट ओपन कराने की सोच रहे हैं तो ज़रूर कराइएगा। और चलिए आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड डे।